हेलो गाइस, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो चलते हैं। गाइस आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग के लिए हम आए हैं हमारे गांव के पास में। एक एक बढ़िया सा काजलवास धाम है, वहां पर आए। देखो इसका ये जो, चलो पीछे पीछे चलो मेरे, ये जो आगे जो मंदिर है वहाँ पे भगवान की जो पूजा होती है उसके धुएं से वो सारा अंदर का जितनी भी दीवारें वगैरह है पूरी काली हो गई है। फिर भी हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ काले नहीं होते, बताते हैं। ये जो है देखो वहां पर वो दुनी लग रही है, ये सारा धुआं जो है इससे ये देखो सारा काला हो गया है। पर मैं हाथ लगाऊंगा, देखो इधर आओ, मेरा हाथ काले नहीं हो रहे। देखो जितनी भी आपको ये काला काला दिख रहा है उससे मेरे हाथ ब्लैक होते हैं। गुरुदेव थे इनका ये फोटो, ये सारा धुआं हो गया। पर इसका एक राज यही है कि ये काला काला जो दिख रहा है वो काला है नहीं एक्चुअल में, बस दिखता नहीं। पर यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बाहर चलते थोड़ा दूर बहुत कर रहा है। जैसे कि देखा आपने वो काला काला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो जो 11 जीवित समाज थी महिला अंदर आना सख्त मना। चलो मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ। जो हमारे पुराने गांवों में जो बावड़ी होती थी वहां से लोग पानी भर कर लाते थे अपना पीने वाला, वो बावड़ी भी इधर बनी हुई है। मैं अभी भी पानी भरा हुआ है। जो यहाँ के जंगली जानवर वगैरह जितने भी है वो यहाँ पे रात को पानी पीने आते हैं। और यहाँ पे जो ये संत रहते हैं उन्होंने बताया भी है कि चीता भालू वगैरह यहाँ पे पानी पी के जाते हैं। मैं इस जगह का आपको आगे से व्यू दे रहा हूँ। ये महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ है, ये जो ये कक्ष दिख रहा है आपको, ये सीमेंट का ये, और बहुत ही अच्छा घूमने लायक पैलेस है ये। यहाँ पर ये जो समाधि दिख रही है आपको 11 सिद्धों की, ये जो जीवित समाधियाँ हैं आप देख सकते हैं ये सामने। और इसके जस्ट सामने जो ये पहाड़ है वहाँ पे एक गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये देखो आपको दिख रहा होगा वीडियोस में। तो ये जो आपको पीछे ये मंदिर दिख रहा है हम वहाँ से आगे की ओर चल रहे हैं। आगे ये जो रास्ता है, ये आगे जो मंदिर दिख रहा है आपको वहाँ की ओर हम जा रहे हैं। ये देखो पीछे ये रास्ता। तो हम उस मंदिर से यहाँ तक आ चुके हैं। ये है जो मंदिर है, ये सूर्य मंदिर कहते हैं, जो वहाँ से प्रकाश आता है डायरेक्ट, पहले यहाँ पर पड़ता है। ये जो मंदिर है यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हम जो ये आपके पत्थर को ये घर दिख रहे हैं, वैसे अगर हम बनाएंगे अच्छे से अच्छा तो हमारा जो रियल लाइफ में जो घर है वो भी अच्छा बनेगा, यहाँ पे ऐसे माना जाता है। ये देखो आसपास में बहुत सारे आपको ऐसे घर मिलेंगे। हम अपना घर बना रहे थे और ये बिच्छू इसमें से निकला। Oh, 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 oh
देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे और भी अच्छे अच्छे समाधियां बनी हुई है, जीवित समाधियां जो कि यहाँ पे, ये भी एक अच्छा सा मंदिर बना हुआ है, समाधि बनी हुई है। पेड़ की अच्छी ताजी छाया में चलते हुए फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये जो पास का व्यू है आप देख सकते हैं पीछे, मान्यता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें से जो पानी आता है वो लगातार चलता रहता है, कभी सूखता नहीं है इसमें से पानी कभी। आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, इसके अंदर एक गुफा बनी है वो आगे तक जाती है, पता नहीं वो कहाँ जाती है, पर भाई लाइट देना सही है। तो चलते हैं बाहर, आपने देखी होगी वो गुफा, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। ये काजलवास का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना।